नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाया जाएगा। इसके लिए वैक्सीन आ गई है और देश भर में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। इस बात का ऐलान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। उन्होंने कहा कि 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन आ चुकी है और अब इसे लगाने की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि बच्चों के लिए एक नई वैक्सीन आई है जिसका नाम है कोब्रेवैक्स। ये बच्चों के दाहिने हाथ पर लगाई जाएगी। आपको बता दें कि अभी कोविन पोर्टल पर कोब्रेवैक्स के लिए नामांकन नहीं हो रहा है। आप कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही समय में इसका रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो जाएगा। बता दें कि कोब्रेवैक्स देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को बिल्कुल उसी तरह ट्रेन किया जा रहा है जैसे कि पहले ट्रेन किया गया था कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के लिए। आपको बता दें कि ये जो कोब्रेवैक्स वैक्सीन है ये भी 28 दिनों के अंतराल पर बच्चों को लगाई जाएगी, यानी कि 28 दिनों के बाद आपको दोबारा कोविन पोर्टल पर इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर आप अपने बच्चों को ये टीका दे सकते हैं। 12 से 14 साल के बच्चों को भी बड़ों की तरह नीडल वाली इंजेक्शन 0.5 ml वैक्सीन लगाई जाएगी। कोब्रेवैक्स नई वैक्सीन है। इमरजेंसी में भारत सरकार ने इस नई वैक्सीन को 12 से 14 साल के बच्चों के लिए मंजूरी दी है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद में तैयार हुई वैक्सीन को लेकर के जो गाइडलाइन आई उसके मुताबिक बड़ों की तरह कोब्रेवैक्स की डोज भी 28 दिनों के अंतराल पर लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण में बताया गया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तरह कोब्रेवैक्स भी नीडल से बच्चों के दाहिने हाथ के बाजू पर 0.5 ml दी जाएगी। वहीं मंगलवार की शाम तक कोविन पोर्टल पर 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर के कोई विकल्प नहीं आया था। आपको ये भी बता दें कि पटना के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर SP विनायक का कहना है कि मंगलवार को सुबह प्रशिक्षण दिया गया, अब ANM और डेटा ऑपरेटर को प्रशिक्षित किया जाएगा। डॉक्टर विनायक का कहना है कि कोरोना की यह नई वैक्सीन है, इसीलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसका पूरी तरीके से ट्रायल किया गया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तरह ये भी वैक्सीन है जिसे नीडल से ही दी जाएगी। डॉक्टर विनायक ने कहा कि इंजेक्शन लगाने के बाद इससे दर्द नहीं होगा, नीडल पतली होगी और प्रशिक्षण में वैक्सीनेटरों को ऐसे ट्रेंड किया जाएगा जिससे जरा भी दर्द ना हो। आपको बता दें कि ये वैक्सीन बच्चों के लिए है, 12 से 14 साल के बच्चों के लिए, इसीलिए स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेन किया जा रहा है कि नीडल इस तरीके से दे कि बच्चे रोए ना और उन्हें डर ना लगे और उन्हें दर्द भी ना हो। आपको बता दें कि ये भी पतली सी नीडल है और बच्चों को दाहिने हाथ के बाजू में लगाई जाएगी। 0.5 ml ये वैक्सीन दी जाएगी, इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस खबर में इतना ही। आप बन रहे न्यूज़ PR के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।